देखिए फ्रेंड्स, छोटे मछली को साफ करने के लिए सबसे पहले हम हाथों में इस तरीके से राख लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये फिसले नहीं। इस तरीके से हमें इसे पकड़ लेना है, देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इस तरीके से साफ करेंगे, सारे छिलके इस तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद जो ये है इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद थोड़ा सा हमें कट लगा लेना है, जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें निकाल लेना है, जो गंदगी है उसे हमें साफ कर लेना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से सारे मछलियों को हम कर लेंगे साफ और रख देंगे इसे एक पानी के कटोरे में। कटोरे में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें हमें रखना है, ताकि जो हम जब इसे धो के साफ करें ना तो बहुत ही जल्दी साफ ये हो जाए। नहीं तो अगर आप वैसे ही रख दोगे इसी तरीके से तो ये सारे मछलियाँ जो है सूख जाएगी। इसीलिए आप जब भी इसे साफ करें पानी के कटोरे में जरूर रखें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं डाल दूंगी इसमें एक चम्मच नमक। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच से ही हो जाएगा, ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। जितनी क्वांटिटी में आप मछली का इस्तेमाल करें उसी हिसाब से हल्दी और नमक का इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बंधुरा देखो, छोटो माछगुलो এইভাবে আমি মেখে নেব। তো কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য ছোট মাছের শসা বাটা। তো তার জন্য আগে মাছগুলোকে আমি হালকা করে ভেজে নেব। তার আগে আমি এর মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি লবণ আর হলুদ। তারপরে একে ভালো করে এইভাবে মেখে নেব। তো ফ্রেন্ডস দেখিয়ে আচ্ছে তরিকে সে ইয়ে মিক্স হো চুকা হ্যাঁ। ইসে বহুত হি আচ্ছে তরিকে সে হমে মিক্স কর লেনা হ্যাঁ, তাকি জো নমক और हल्दी है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और नमक का जो टेस्ट है वो अंदर तक पहुंचे। इसीलिए मिक्स हमें इसे अच्छे तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें सारे मछलियों को मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से कढ़ाई गर्म हो चुका है। इस तरीके से हमें पहले तेल को फैला लेना है। इसके बाद हम मछलियों को इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर। सरसों वाली जो हम मछली बनाते हैं तो उसको ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना रहता है, बस उसका कच्चापन निकलने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए एक तरफ से हो गया है, इसको हम पलट देंगे हल्के हाथों से। देखिए इस तरीके से हमें लेते हुए पलट देना है। सारे मछलियों को इसी तरीके से हम पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बस इतना ही हमें फ्राई करना है, ज्यादा क्रंची हमें नहीं करना है। तो देखो बंधुरा, माछ भाजा हो गया है। एबार हमें एगुलो के तुले नेब एइभावे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे कलछी को इस तरीके से साइड में कर ले, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए। इसके बाद इसी तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सरसों वाली मछली बनाने के लिए सरसों का पीसना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने लिया है मिक्सी का जार। देखिए मैंने सरसों ले लिया है बड़े चम्मच से, लगभग 3 चम्मच मैंने सरसों लिया है, जिसको मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है, हाथों से ही हमें डालना है, ताकि सरसों के नीचे बहुत सी मिट्टी जमी हुई रहती है, ये जो है वो नीचे रह जाएगी और सरसों जो है साफ साफ सा हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आप भी जब भी सरसों का इस्तेमाल करें इस तरीके से धो के ही इस्तेमाल करें। तो चलिए अब ले लेते हैं बहुत सारा हरी मिर्च। मैंने ले लिया है, देखिए
इसके बाद मैंने लिया है लेसन, एक गांठ मैंने लेसन लिया है, देखिए इस साइज का। मैंने इसका छिलका उतारा नहीं है, इसी तरीके से मैं इसमें पीस लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सिलपट्टे पे भी मसाले को तैयार कर सकते हैं। मैं मिक्सी में कर रही हूँ, सिलपट्टे पे भी बहुत अच्छे मसाले तैयार होती है। आपको जस्ट में अच्छा लगे आप उसी में मसाला तैयार करें। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, राई पीस चुका है। एक बड़ा सा आपको कटोरी ले लेना है। इसके बाद सारे राई के मसाले को हमें इसमें डाल देना है इस तरीके से। सारा निकाल लेंगे। इसके बाद हमें डालना है इसमें पानी। पानी डालने के बाद जो बचे हुए राई है इसे भी हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए इसके बाद इसे हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। पूरे सरसों को हमें अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये भावे मिक्स कर देवर पर देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। इसके बाद लेना है एक दूसरी कटोरी। इस तरीके से आपको एक कटोरी और ले लेनी है बड़े साइज की। इसके ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी, देखिए इस टाइप का छन्नी रख देना है। इसके बाद हम सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। अब आप पूछोगे मसाले को छानना क्यों है। पहले छान ले रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको चम्मच की मदद से हिलाना है। आराम आराम से देखिए इस तरीके से आपको हिलाते हुए इसे छान लेना है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से छन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना छन सकता है मैंने इसे छान लिया है इस तरीके से। इसके बाद हम वापस इसमें पलट देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें दोबारा छान लेना है इसे। जो भी बचा हुआ मसाला है वो भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाला छन चुका है। ये जो सरसों का जो छिलका है ना, इसे हम निकाल के फेंक देंगे। हमें इसमें नहीं डालना है, क्योंकि ये जब हम खाते हैं तो ये अक्सर पेट में दर्द होता है, और जिसको गैस बनती है इससे गैस बनती है। तो आप जब भी सरसों डाल के कोई भी सब्जी बनाएं, इसी तरीके से आप छान के बनाएं, आप देखिएगा कि आपको कोई भी पेट की समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसे छान के इसके बाद हम रख देते हैं इसको साइड में। देखिए फ्रेंड्स, अब इसी में हमें डाल देना है नमक। जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से आप इसमें नमक डालें। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सरसों वाले रेसिपी में हल्दी का इस्तेमाल कम होता है, इसका कलर बहुत ही लाइट रहना चाहिए। तो पहले हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम चेक करेंगे कि और चाहिए या नहीं। थोड़ी सी और डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, सरसों में तो आमतौर पे ज्यादातर हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे
थोड़ा सा चीनी। तो फ्रेंड्स चीनी ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सरसों में चीनी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि सरसों में एक कड़वापन होता है वो चला जाता है और इसका जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा उभर के आता है। तो सारे चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें आखिर में डाल देना है हल्का सा 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद हमें इसमें मिक्स नहीं करना है, इसी तरीके से छोड़ देना है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स आप जब भी सरसों की रेसिपी बनाएं तो आप उसमें सरसों तेल का ही इस्तेमाल करें। तड़के के लिए लिया है मैंने कलौंजी, जिसको काला जीरा और मंगरेला भी कहते हैं। आप लोग के शहर में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो तड़के के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको डाल देंगे 2 से 3 सेकेंड इसको चटकने देना है, ज़्यादा हमें नहीं चटकाना, नहीं तो मंगरेला जो है वो कड़वा हो जाता है बिल्कुल करेले की जैसे। तो इसके बाद हम इसको डाल देंगे, गैस का फ्लेम हमें धीमे कर लेना है। इसके बाद हम धीरे धीरे इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद इसी कटोरी में हमें डालना है हल्का सा पानी, और हल्का सा पानी डालने के बाद इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है। फिर हम इसे चला देंगे इस तरीके से, देखिए इसका थिकनेस इतना ही रहेगा। आप इसकी ग्रेवी गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सरसों की रेसिपी में अलग तरह की रेसिपी में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये सरसों की मछली मैं बना रही हूँ, इसमें मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर और कोई रेसिपी होती है तो उसमें लोग टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें आपको टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जब हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो सरसों का जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है, इसीलिए हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें उबाल आने तक का हम कर लेंगे इंतजार। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें उबाल आ चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें फ्राई किए हुए मछलियाँ। इस तरीके से हमें डाल देना है इसमें, आपको जितनी क्वांटिटी में डालना है आप उतनी क्वांटिटी में इसमें डालें। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इसके बाद आपको इसमें थोड़ी देर के लिए पकने के लिए और छोड़ देना है, 2 से 3 मिनट तक और हम इसमें डाल के पका लेंगे। तो देखिए बन के हो गया है तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, इसके बाद कर देंगे गैस का फ्लेम बंद। और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको चलाना बिल्कुल नहीं है, ये तेल हम ऊपर से ही डालेंगे। और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर से शेयर कीजिएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, हमें ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आप लोग जरूर से ट्राई करना और कैसी बनी ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स वीडियो को देख के लाइक करके जरूर से जाना। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे नए नए डिशेस ट्राई करते रहे, एंजॉय करते रहे, सर्दियों में गर्मा गर्म खाना खाते रहें।